दोस्तों जिस वीडियो का था इंतजार, आप चाहते थे कि अमेजन ग्रेट इंडियन सेल पर कौन से 32 इंच वाले या बिग बिलियन डेज में कौन से बेस्ट टीवी है जो 32 इंच में स्मार्ट टीवी आपको देखने को मिले। अब दोस्तों यहां पे बहुत सारे टीवी आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ब्रांड, और उनमें से अच्छे टीवी निकालना बहुत इंपॉसिबल सा टास्क है। और यहां पर 32 इंच जो है एक ऐसा प्रोडक्ट होता है, बहुत सारे लोग सीआरटी टीवी से पहली बार एलईडी टीवी पर आते हैं तो उनको गूगल टीवी, एंड्रॉइड टीवी, फायर टीवी या बहुत सारे, और उसमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते जो समझ में नहीं आते, बट मैं आपकी हेल्प करूंगा और आपको बढ़िया एक टीवी देखने को मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, सेल के दौरान हम सस्ती चीजें खरीद लेते हैं बट उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, बट यहां पे सस्ता भी होगा और अच्छा भी होगा, तो वीडियो को मिस मत कर। यहां पर आपके लिए टॉप 5 जो है बेस्ट स्मार्ट टीवी आपके लिए लेके आए हैं। नंबर 5 से जल्दी से शुरू करेंगे, इस ग्रेट इंडियन सेल में आपको जो है बढ़िया डिस्काउंट के साथ आपको मिलने वाला है। सबसे पहले एक टीवी है यहाँ पर नंबर 5 पर, वो रेडमी का फायर टीवी है। अब फायर टीवी नाम सुन के आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाइएगा, बट यहाँ पे 32 इंच में आपको जो है विविड पिक्चर इंजन जैसे ऑप्शन मिल जाएंगे। काफी अच्छी जो है इसकी जो डिजाइन है वो आपको देखने को मिलेगा, बेजल्स ना के बराबर मिलेंगे। तो ये सारे ऑप्शन है, कलर जो पिक्चर क्वालिटी है वो काफी कमाल की, हमने इसकी जो है रिव्यू वीडियो आपको दिखाई है हमारे चैनल पे, चाहे तो रिव्यू और अनबॉक्सिंग इसकी देख सकते हैं, तो ये वहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें खास बात क्या है वो मैं आगे चल के बताने वाला हूं। दोस्तों 20 वॉट्स जो है इसमें साउंड आउटपुट, जो कि डॉल्बी ऑडियो और डीटीएस एक्स वर्चुअल सराउंड के साथ आपको मिलेगी, तो ये काफी अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाएगा और साउंड की क्वालिटी काफी बेहतर है। जब हमने रिव्यू किया था काफी अच्छी साउंड यहां पर निकल के आई 20 वॉट्स में, काफी अच्छी क्रिस्टल साउंड, वोकल्स बहुत ही क्लियर से आपको मिले थे। और यहां पे अगर बात करें प्रोसेसिंग पावर, तो 1 GB रैम, 8 GB इंटरनल मेमोरी और साथ ही साथ फायर टीवी। अब फायर टीवी से कंफ्यूज मत होइएगा, फायर टीवी एक ऐसा ओएस है जिसमें कि लगभग 12,000 प्लस ऐप है, जितनी भी इंडियन ऐप है सारी मिलेंगी, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, G5 सब कुछ आपको मिलेगा। और साथ ही साथ ये जो फायर टीवी है ये चलता है एंड्रॉइड पर ही, मतलब एंड्रॉइड का एक कस्टम वर्जन आपको यहां पर देखने को मिलेगा, तो ये काफी कमाल का। और इसमें जो कंटेंट है वो डिस्कवर करना बहुत आसान है, बहुत ही सिंप्लीफाइड, और लाइव टीवी चैनल भी इसी में होम स्क्रीन पर देख सकते हैं कौन सा टीवी क्या है, ओटीटी ऐप से आपको मिलेगा, और कोई भी जो कंटेंट है ओटीटी ऐप से वो बहुत आसानी से मिलता है, और नया कंटेंट का रिकमेंडेशन बहुत ही कमाल का। और दोस्तों यहाँ पे क्रोमकास्ट जैसे फीचर भी मिल जाएंगे, एप्पल एयरप्ले 2 से भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये सब फीचर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एलेक्सा बिल्ट इन इसमें आपको देखने को मिलेगा, एलेक्सा सभी से कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों कनेक्टिविटी डुअल बैंड वाईफाई है, 2 USB पोर्ट है, 2 SDMI पोर्ट, ईथरनेट, ब्लूटूथ वगैरह सब मिलेंगे। दोस्तों प्राइस की बात करें, इसका ऑफिशियल जो प्राइस था वो लगभग 15,000 के, बट अभी आपको 11,499 रुपीज में मिलेगा, जो कि बहुत ही कम प्राइस है, और बैंक डिस्काउंट लगाने के बाद दोस्तों ये लगभग आपको 10,000 या उससे भी कम मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको जरूर बाय करिएगा अगर एक आपको बढ़िया टीवी चाहिए। दोस्तों नंबर 4 पर बात करें, यहाँ पे MI का एक 5A सीरीज टीवी है, जो कि हूबहू बिल्कुल यही सिमिलर स्पेसिफिकेशन के साथ मिलेगा, बट यहाँ पे जो OS है चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे विविध पिक्चर इंजन जैसे फीचर आपको मिलेंगे, ये बहुत ही कमाल का, और बेजल्स ना के बराबर काफी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी में आपको देखने को नजर आएगा। दोस्तों इसमें भी साउंड आपको 20 वॉट साउंड मिलेगा, DTS X वर्चुअल सराउंड, डॉल्बी ऑडियो, तो ये काफी अच्छे ऑप्शन साउंड के साथ मिलेंगे। अब दोस्तों यहां पे जो प्रोसेसिंग पावर है, 1 GB रैम, 8 GB रोम, और यहां पर एंड्रॉइड 11 आपको मिलेगा। अगर आपको एंड्रॉइड ही चाहिए और MI या Xiaomi या रेडमी का टीवी चाहिए तो ये एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। अब यहां पर पैचवॉल 4.0 जैसे ऑप्शन है, तो पैचवॉल कुछ कुछ ऐसा है कि अलग अलग OTT ऐप से कंटेंट डिस्कवर करके आसान आपको दे देता है, कौन सा SD वीडियो, कौन सी मूवीज है, कौन सी साउथ इंडियन है, ये डिस्कवर करना बहुत आसान होता है, तो पैचवॉल काफी अच्छा ऑप्शन है। लाइव टीवी चैनल्स भी मिलते हैं और बहुत सारे फ्री लाइव टीवी चैनल्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, और इसमें क्रोम कास्ट जैसे फीचर, मोबाइल से कास्ट वगैरह कर सकते हैं, तो ये काफी अच्छा है। दोस्तों यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात करें, डुअल बैंड वाई, 2 USB पोर्ट, 2 SDMI पोर्ट, ईथरनेट, ब्लूटूथ वगैरह मिलेंगे। डुअल बैंड वाईफाई आप जानते होंगे जिसमें कि 2 चैनल्स होते हैं, 2.4 GHz और 5.0, जो कि फास्टर होता है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको लगभग इस सारे टीवी में ही देखने को मिलेगा। इसके प्राइस की बात करें, ये 10,999 रुपीज, लगभग 11,000, और बैंक डिस्काउंट के साथ आपको 9,000 के करीब या 9,500 रुपए में मिलेगा। बहुत ही कमाल का ऑप्शन है, जाके इसको परचेस कर लीजिएगा। दोस्तों नंबर 3 पर बात करें, यहाँ पर एसर का एक टीवी है, एडवांस आई सीरीज टीवी है, काफी अच्छा टीवी है। इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है बहुत ही कमाल की, मैंने इसको पिछली बार जो है इसका एसर का एक प्रोडक्ट था जो लास्ट ईयर वो रिव्यू किया था, और इसी का
मैंने एक 4K एडवांस आई सीरीज का वो रिव्यू किया है, काफी अच्छी पिक्चर क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है दोस्तों। इसमें आपको जो है फ्रेम स्टेबलाइजेशन इंजन मिलता है और इसमें आपको SDR 10 जैसे ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि SDR कंटेंट भी आप देख सकते हैं। ये बहुत ही कमाल का है, अमेजन प्राइम वीडियो नेटफ्लिक्स वगैरह से आप इजिली SDR कंटेंट देख सकते हैं और यहाँ पे जो ब्राइटनेस है काफी अच्छी है, माइक्रो डिमिंग जैसे ऑप्शन भी आपको मिलेंगे। अगर इसमें साउंड की बात करें 30 वॉट साउंड है, जी हाँ जो साउंड आउटपुट है वो 30 वॉट्स है, आपको 20 वॉट 24 वॉट्स मिलता है, तो यहाँ पे 30 वॉट साउंड काफ़ी सफिशेंट होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है और पिक्चर क्वालिटी के साथ साउंड भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। अब साउंड की बात करें तो यहाँ पे जो साउंड है बहुत परफेक्ट तो नहीं है, साउंड बहुत लाउड है बट काफ़ी डिसेंट साउंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। दोस्तों इसमें प्रोसेसिंग पावर की बात करें 1.5 GB की रैम मिलेगी, जो कि किसी भी अगर देखें जो 32 इंच वाला TV है उसमें ज़्यादा होती है, मतलब 1 GB होती है बट यहाँ पे 1.5 है, मल्टीटास्किंग के काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे 16 GB की रोम है, जी हाँ 16 GB वरना 8 GB आपको देखने को मिलती है, इसलिए इसको नंबर 3 पर गूगल TV के साथ आपको मिलेगा। गूगल TV जो है बहुत ही बेहतरीन कंटेंट डिस्कवर करता है और बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन देता है, जिसमें कि आपको पता हो कि OTT ऐप से कौन सा कंटेंट कहाँ मिल रहा है। तो जब भी मैं कहता हूँ कोई भी TV ले तो गूगल TV ले, इसलिए हमने इसको नंबर 3 पर रखा है। और इसमें आपको क्रोमकास्ट जैसे ऑप्शन, ये सब ऑप्शन, गूगल वॉइस असिस्टेंट जैसे ऑप्शन सभी आपको मिल जाएंगे। दोस्तों इसमें बात करते हैं कनेक्टिविटी, डुअल बैंड वाईफाई, 2 USB पोर्ट, 2 HDMI पोर्ट, ईथरनेट, ब्लूटूथ, ये सब ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके प्राइस की बात करें ये आपको लगभग 15,000 रुपीज में मिलता था बट अभी ये 11,999 रुपीज में मिलेगा, काफी अच्छा ऑप्शन है, बैंक डिस्काउंट के साथ 10,500। तो गूगल TV चाहिए, ज्यादा साउंड के साथ चाहिए, SDR चाहिए, ये बहुत ही कमाल का, इंटरनल मेमोरी भी 16 GB काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने को मिलती है, तो ये TV आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके परचेज कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 2 पर है TCL का एक TV जो कि S5400 है, जो कि काफ़ी कमाल का है। अब नंबर 2 पर क्यों रखा है अभी आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे जो है आपको ये TV HD रेडी नहीं है, फुल HD TV देखने को मिलेगा, A+ ग्रेड पैनल है, काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस वगैरह, और जो डिज़ाइन देखें विजन लेस डिज़ाइन है ऑलमोस्ट, काफ़ी अच्छा ये जो है आपको प्रोडक्ट मिलेगा। और 32 में फुल HD बहुत ही कम जगहों पर मिलता है, तो यहाँ पे इसको इसी वजह से रखा गया है, पिक्चर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और TCL जो ब्रांड है काफ़ी अच्छा ब्रांड है। अब दोस्तों इसमें AI पिक्चर इंजन 2.0 और यहाँ पे माइक्रो डिमिंग जैसे ऑप्शन, दोस्तों SDR 10 जैसे ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे, तो यहाँ Netflix, Amazon Prime से SDR कंटेंट भी देख सकते हैं। साउंड की बात करें यहाँ पे 24 वॉट साउंड आउटपुट है, जो कि काफ़ी अच्छी है और इसकी जो साउंड क्वालिटी है काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी अच्छी साउंड आती है। MS-12 Dolby ऑडियो आपको सपोर्ट मिलेगा, जो कि मल्टीपल ऑडियो चैनल्स हैं, ऑडियो सपोर्ट है ऑडियो Dolby के, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही कमाल का है। दोस्तों इसमें बात करें 1.5 GB की रैम है, 16 GB इंटरनल मेमोरी है गूगल TV के साथ, ये भी आपको देखने को मिलेगा, फुल HD गूगल TV, 1.5 GB रैम, SDR सब आपको मिलेगा, 24 वॉट्स साउंड, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और यहाँ पे क्रोमकास्ट जैसे फीचर ये सब आपको मिलेंगे। कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर 2 HDMI पोर्ट मिलेंगी, 1 USB पोर्ट मिलेगी, डुअल बैंड वाईफाई मिलेगी, ईथरनेट, ब्लूटूथ सब मिलेगा। यहाँ पे USB पोर्ट एक ही मिलती है बट वो काम चल जाता है, कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत उसकी हो नहीं, तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा। प्राइस की बात करें ये 15,000 से ऊपर का था बट अभी 11,999 रुपीज का है, बैंक डिस्काउंट के साथ जाए 10,000 से थोड़ा आसपास में आपको देखने को मिलेगा, तो ये काफ़ी अच्छा है। अगर फुल HD TV चाहिए, गूगल TV, ज़्यादा साउंड आउटपुट, इंटरनल मेमोरी ज्यादा, तो इसके लिए ये बेस्ट है, इसलिए नंबर 2 पर रखा है। नीचे जाइए इसको परचेज कर लीजिए। दोस्तों नंबर 1 पर बात करें, यहां पर एसर का वी सीरीज TV है। अब एसर का वी सीरीज TV क्या है, ये QLED TV है, 32 इंच में आपको बहुत ही कम QLED पैनल के साथ ऑप्शंस मिलते हैं, तो यहाँ पे QLED मैंने इसका रिव्यू किया है, इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है काफ़ी कमाल की है, काफ़ी अच्छे कलर्स आते हैं, कलर थोड़े से पंची से यहाँ पर नज़र आएंगे, मतलब थोड़े से वाइब्रेंट, बट एक TV देखते हैं तो वहाँ पे सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है आपको कलर थोड़े से वाइब्रेंट दिखने चाहिए, तो इसमें पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। और QLED की पिक्चर क्वालिटी अगर कहें नॉर्मल LED से तो काफ़ी अच्छी है, तो एक TV जब आप परचेस करते हैं उसमें एक बेस्ट पिक्चर क्वालिटी ऑप्शन सबसे अच्छा है, तो ये नंबर 1 पोजीशन पर है। अब इसमें भी SDR 10 और इमेज स्टेबलाइजेशन इंजन जैसे फीचर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, माइक्रो डिमिंग जैसे ऑप्शन भी यहाँ पर आपको मिलेंगे, हालांकि 32 इंच में माइक्रो डिमिंग इतने अच्छे से काम नहीं करता क्योंकि छोटी साइज होता है, तो वहाँ पे माइक्रो डिमिंग एक मार्केटिंग गिमिक होता है किसी भी TV में अगर कहें तो, यहाँ पे ये भी ऑप्शन है बट है तो बेटर है। अब यहाँ पे ब्लू लाइट रिडक्शन भी मिलेगा, अगर मान लो आप जो है TV देख रहे हैं और आंखों को ज़्यादा
इफेक्ट ना आए गलती से, मतलब ब्लू लाइट से बैड इफेक्ट ना आए, तो ब्लू लाइट रिडक्शन ऑप्शन भी मिलेगा जो कि आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है। दोस्तों साउंड की बात करें, 30 वॉट साउंड है जिसमें कि डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट मिलेगी। तो यहाँ पे 30 वॉट साउंड है, मल्टीपल ऑडियो मोड्स है साउंड के लिए, चाहे म्यूजिक मूवीज देखें, तो ये काफी अच्छा है। मैंने इसको पर्सनली रिव्यू किया तो ये चीजें देखी, तो साउंड काफी डिसेंट गुड यहाँ पर नजर आई। दोस्तों प्रोसेसिंग पावर इसमें भी सेम है, 1.5 GB रैम, 16 GB इंटरनल मेमोरी, गूगल टीवी के साथ ये मिलता है जो कि बहुत ही बेहतर होता है, तो काफी अच्छा ऑप्शन है। इसमें भी क्रोमकास्ट जैसे फीचर, इसमें भी आपको गूगल वॉइस असिस्टेंट रिमोट के थ्रू मिल जाएगा, तो काफी अच्छा। कनेक्टिविटी डुअल बैंड वाईफाई है, 2 HDMI, 2 USB पोर्ट, ईथरनेट, ब्लूटूथ, ये मिलेंगे। तो जो इसका प्राइस है वो लगभग आपको 14999 रुपीज में लॉन्च हुआ था, बट अभी 13999 रुपीज है, बैंक डिस्काउंट के साथ जाएंगे तो ये आपको जो है 12499 रुपीज में मिलेगा। बट इसमें आप चेक करते रहिए, कूपन कोड भी मिल सकता है 500 रुपीज का, तो ये प्राइस काफी अच्छा है। और इससे बेस्ट टीवी QLED टीवी 32 इंच में आपको मिलना मुश्किल है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। अब ये थे टॉप 5 टीवी। अब इससे अलग भी बहुत सारे टीवी आपको देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें कंपेयर करी और हमने कुछ पुराने जैसे कि रेडमी का टीवी है या MI के कुछ हैं, हाइसेंस के हैं, बहुत सारे हैं, वो हमने इसलिए नहीं रखे क्योंकि वहाँ पे एंड्रॉयड टीवी थे, पुराने टीवी थे, ओल्ड टीवी थे, ओल्ड हालांकि इसमें भी है, बट उनकी जो स्पेसिफिकेशन है वो बहुत ही कमाल की, पिक्चर क्वालिटी, साउंड वगैरह, तो इसलिए इसको रखा है। तो ये टीवी, इनमें से आप कोई भी परचेज कर लीजिए आपके लिए, बट यहाँ पे नंबर वन पे है QLED पैनल के साथ, ये काफी कमाल का है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। अगर आपको 43, 50, 55 इंच, 65 इंच वाले वीडियोस भी देखनी है कौन से बेस्ट टीवी है, तो वो वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी, आपको सेल शुरू होने से पहले सब कुछ मिलेगा जो कि हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई हो। और लेटेस्ट अपडेट देखनी है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको पता लगता रहेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, वंदे मातरम।